गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, GBDL सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रोली की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास थर्ड की बुक एनवायरमेंटल स्टडीज़ का लेसन नंबर 5 का पार्ट 4। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लीव्स के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की थी और आपको कई एक्टिविटीज़ भी करने के लिए दिया था। अब आप सब एक बार रिकॉल कर लीजिए कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या पढ़ा था व क्या समझा था। हमने इससे पहले वाली वीडियो में सीखा था कि पत्तियाँ अलग अलग आकार की, अलग अलग साइज की होती हैं और सभी पत्तियों का टेस्ट भी अलग अलग होता है और सभी पत्तियाँ अलग अलग काम में आती हैं। कुछ को हम खाने के उपयोग में लेते हैं व अथवा कुछ को हम पूजा पाठ के उपयोग में भी लेते हैं व अथवा कुछ को जड़ी बूटियों के रूप में भी कार्य में लेते हैं। ये सभी चीज़ें हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके थे। अब इसके आगे वाले हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है यूज ऑफ प्लांट। हम प्लांट के उपयोग लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? यूज ऑफ प्लांट। प्लांट के क्या क्या उपयोग होते हैं, कैसे कैसे प्लांट उपयोग में आते हैं, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप सभी देखिए, आप सभी कुछ प्लांटों के तो उपयोग जानते ही हैं, उसके अलावा जो नहीं जानते वो हम इसमें जान लेंगे। तो देखिए, पहला है, हम लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। वी डिपेंडेड ऑन प्लांट्स फॉर मैनी थिंग्स। हम सब कई तरीके से पेड़ पौधों पर डिपेंड हैं। डिपेंड का अर्थ तो आप सभी को आती होगा, उनके ऊपर जीवन व्यतीत करना। अब इसके अलावा हम और देखते हैं, इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा दे आर यूजफुल टू अस इन द फॉलोइंग वेज। वह हमारे लिए कई किस तरीके से यूजफुल है, यह हमने नीचे लिखा है, वो सब पढ़ लेते हैं। हम देख लेते हैं किस प्रकार से हमारे लिए पेड़ पौधे उपयोगी हैं। तो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेश एयर ऑफ ब्रेथ इन। हमें अच्छी ताज़ी हवा सांस लेने के लिए देखते हैं। वी ऑल नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। हमें सांस लेने के लिए, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन विल मेकिंग देयर फूड। और प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना बनाने के बाद ऑक्सीजन देते हैं। यस, वी कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। यह सही है कि हम बिना पेड़ पौधों के जीवित नहीं रह सकते हैं। हमें जीवित रहने के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है, क्योंकि पेड़ पौधों से ही हमें खाना, रहने के लिए जगह, साधन व सांस लेने के लिए ताज़ी हवा प्राप्त होती है। और उसके अलावा फूड, अगला टॉपिक है हमारा फूड, कि पेड़ पौधों से हमें फूड भी प्राप्त होता है। हमें कई सारे पेड़ पौधे हमें खाने के लिए फ्रूट भी देते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस ए वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। प्लांट्स जो होते हैं वो हमें कई सारे फूड्स की वेराइटी प्रदान करते हैं, कैरियस फ्रूट, वेजिटेबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। उनके खाने के पदार्थ देने की लिस्ट जो है वो बहुत ही लंबी है। तो अब हम लेट्स फाइंड आउट, ये हमारा लेट्स फाइंड आउट का जो क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं वो क्या क्वेश्चन आपसे करने के लिए कह रहे हैं। व्हाट आइटम्स ऑफ अवर किचन आर ऑब्टेनेड फ्रॉम प्लांट्स। आपके किचन में कौन से आइटम है जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं, वो कौन कौन से आइटम है। आस्क योर मदर, मेक द लिस्ट एज लॉन्ग एज यू कैन। अगर आप अपनी मम्मी से बोलिए कि वह आपको लिस्ट के नाम बताए, वह आप लिस्ट बनवाएं। उनकी सहायता से आप किचन में प्राप्त होने वाली सभी
जो खाने की सामग्री हैं आपके किचन में, उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ टी एंड कॉफ़ी? और ये भी आप जानिए कि टी एंड कॉफ़ी, जो चाय और कॉफ़ी का सोर्स क्या है, वो भी आप मम्मा से पूछ करके लिख सकते हैं कि चाय और कॉफ़ी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 39। अगला टॉपिक जो है वो हमारा है फाइबर है। फाइबर, वी गेट वेरियस फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स। हम प्लांट से कई सारे फाइबर्स भी प्राप्त करते हैं। दे आर यूज टू मेक क्लॉथ्स लाइक कॉटन, जूस, और वो हमारे लिए कई सारी तरीके से उपयोगी हैं, जैसे कपड़े बनाने में उपयोगी हैं, जैसे कॉटन और जूट। ये हमें पेड़ों से, पौधों से प्राप्त होते हैं, जो हमारे कपड़े बनाने में हमें हमारी सहायता करते हैं। अगला है हमारा वुड, वुड लकड़ियाँ। वी गेट वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर्स। हम पेड़ पौधों से, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनसे हम फूड वुड लकड़ियाँ भी प्राप्त करते हैं। किस लिए? फर्नीचर्स बनाने के लिए। कुर्सी, टेबल, पलंग, ये सब जो फर्नीचर्स होते हैं लकड़ी के, वो सभी बनाने के लिए हमें लकड़ियाँ कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। वी आल्सो गेट फायरवुड फ्रॉम प्लांट्स, और वो हमें खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ भी प्रोवाइड करते हैं। अब आता है मेडिसिंस। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मेडिसिंस। आप सभी जानते ही हैं कि कुछ पेड़ पौधे हमारे मेडिसिंस के रूप में भी कार्य करते हैं, जैसे कि तुलसी का पौधा आम कॉमन रूप से मेडिसिन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो हम सब मेडिसिंस के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से मेडिसिन के बारे में उपयोगी होते हैं। प्लांट्स गिव अस मैनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन भी प्रदान करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल तुलसी, टर्मरिक, क्विनाइन, इक्वलिस प्लस प्लेट्स प्लांट्स। ये वो पेड़ हैं जो हमें मेडिसिन प्रदान करते हैं। वी गेट अदर थिंग्स लाइक फ्लावर्स, गम, रबर, परफ्यूम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हम पेड़ पौधों से और भी कई सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं, जैसे फूल, गम, रबर, परफ्यूम, एक्सेट्रा, ऐसी और भी कई आदि फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से। मोर ओवर दे प्रोवाइड लाइक द लिविंग प्लेस हैबिटेट फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। और वो कई सारे अलग अलग जानवरों को, कई सारे प्रकार के जानवरों को भी रहने के लिए आसरा देते हैं। आज की इस वीडियो में हमने ये लेसन पूरा कंप्लीट कर लिया है और इसके बारे में पूरा पढ़कर समझ लिया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स भी हम पढ़ेंगे, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी अब इस लेसन को एक बार और अच्छे से पढ़ लें व समझ लें, जिसके आपको क्वेश्चन आंसर करने में सहायता मिले। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।